क्या आपको पता है कि आर्मी का फुल फॉर्म क्या होता है और क्या आपने कभी येलो कलर का वाटरमेलन खाया है। ऐसे ही कई अमेजिंग फैक्ट्स आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि जो सहारा डेजर्ट है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, पर क्या आपको सहारा डेजर्ट के बारे में ये पता है कि उसके 1.2% एरिया पर अगर हम लोग सोलर पैनल बिछा दें तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो इतनी होगी कि पूरे वर्ल्ड को उससे पावर मिल जाएगी। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आपने एक फेमस कार्टून शो तो ज़रूर देखा होगा जिसका नाम है मिकी माउस, पर क्या आपको पता है कि उसमें जो कैरेक्टर होता है गूफी, जो कि एक डॉग होता है, वो असल में डॉग नहीं है। जी हाँ, वो एक काऊ को इंस्पायर होकर काऊ से बनाया गया है। जब उसको बनाने वाले एनिमेटर्स से ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम लोग ने इसे काऊ से इंस्पायर होकर बनाया, ना कि किसी डॉग से। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों ये जो एनिमल आप अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हो ट्रांसपेरेंट कलर का, वो एक जेलीफिश की स्पीशीज़ है और इसकी खास बात यह है कि आसानी से दिखती नहीं है। और इसके बारे में ख़तरनाक बात यह है कि ये कोबरा से 100 गुना ज़्यादा जहरीली होती है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों हम लोग अपनी डेली लाइफ में जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उनमें से ज़्यादातर प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के होते हैं, पर क्या आपको पता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के सिंबल का भी एक मतलब होता है। जी हाँ, जिसकी इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, इसमें आप हर चीज़ का मतलब डिटेल में देख पा रहे हो। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों जब भी बात आती है ज्वेलरी की तब हम लोग चेन्स को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि ये एक्सपेंसिव तो होती हैं पर काफ़ी सुंदर भी लगती हैं देखने में। पर क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे लंबी चेन कौन सी है? तो ये जो आप चेन अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये दुनिया की सबसे लंबी चेन है और ये 5,222 मीटर लंबी है और इसे दुबई में बनाया गया है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों हर देश को आर्मी की ज़रूरत होती है क्योंकि आर्मी के बिना कंट्री सेफ रह ही नहीं सकती, पर क्या आपको पता है कि जो आर्मी होती है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? जी हाँ, आर्मी का भी एक फुल फॉर्म होता है जो कि होता है अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग, जिसमें अलर्ट का मतलब होता है सक्रिय या फिर तो सतर्क, रेगुलर का मतलब होता है उन्हें हरदम ड्यूटी पर रहना पड़ता है, कभी भी उन्हें ड्यूटी पर बुला लिया जाता है इसलिए रेगुलर, मोबिलिटी यानी कि उन्हें लगातार काम करना पड़ता है, और यंग यानी कि जवान। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।